नमस्कार दोस्तों, मैं राशि आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी छोटे से उपाय जो आपको दिवाली की रात करने हैं। दोस्तों, दीपावली और धनतेरस को धन की देवी माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चन किया जाता है, जिससे माँ लक्ष्मी घर में धन का आशीर्वाद प्रदान करे और हमारे घर में कभी भी धन की कमी ना हो। हर दीपावली पर अगर आप धन की देवी लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करते हैं तो आपके घर में धन की वृद्धि होती है। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ उपाय जो आपको जल्द ही मालामाल बना देंगे। दोस्तों, सबसे पहला उपाय आता है दुकानदार और व्यापारियों के लिए। दुकानदार और व्यवसायी दीपावली की रात साबुत फिटकरी का एक टुकड़ा ले, उसे अपनी दुकान में चारों तरफ घुमाए और किसी चौराहे पर चुपचाप जाकर उत्तर की दिशा में फेंक दे। ऐसा करने से ग्राहक और धन की वृद्धि जल्दी ही बढ़ जाएगी। हल्दी और सुपारी से। दोस्तों, दीपावली की रात 5 साबुत सुपारी, काली हल्दी और 5 कोड़ी लेकर गंगा जल से धोकर लाल कपड़े में बांधकर दिवाली की पूजा के समय चांदी की कटोरी या किसी थाली में रख के पूजन करें। अगले दिन सवेरे सारा सामान धन रखने वाली जगह पे या जहाँ भी आप पैसे रखते हैं वहाँ रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो जाएगी। अपने घर के आसपास किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे दीपावली की रात चुपचाप से एक तेल का दीपक जलाएं। ये उपाय दिवाली की रात किया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि आपको दीपक जलाने के बाद पीछे पलटकर नहीं देखना। ऐसा करने से आपके जीवन की धन संबंधी परेशानी दूर हो जाएगी। इसके साथ दोस्तों, दिवाली की रात सोने से पहले किसी भी चौराहे पर भी आप तेल का दीपक जला सकते हैं। दीपक के साथ थोड़े मीठे चावल भी रख दें और लौटकर घर आ जाए। ध्यान रहे कि आपको पीछे पलटकर नहीं देखना। अच्छे कामकाज में आए दिन नजर लगती रहती है, तो ऐसी रात्रि में कार्यस्थल पर एक फिटकरी का टुकड़ा लेकर जाएं और चौराहे पर फेंक दें, कार्य की बाधा दूर हो जाएगी। दोस्तों, दिवाली दीपक का पर्व है। दीपावली की रोशनी हमें अंधेरों में भी रोशनी प्रदान करती है, इसलिए दीपावली की रात घर के बाहर भी 2 तेल के दीपक जरूर लगाए और ये दीपक सरसों के तेल से लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके साथ राम भक्त श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना भी जरूर करें। ऐसा करने से हनुमान जी का आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही, इसके साथ आपके जीवन की तमाम परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, धन हमारे जीवन की एक जरूरत है। इन उपायों को अपनाकर आप धन की देवी मां लक्ष्मी को अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। दोस्तों, समस्या हमारे ही जीवन का एक पहलू होता है। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो कमेंट के जरिए आप हमें अपनी समस्या बता सकते हैं। इसके साथ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।